हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सीरीज का 6th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि मोबाई को पकड़ने कुछ लोग जंगल में आते हैं और उनके और लीन के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट में लीन की फायर बिल क्रश हो जाती है, लेकिन सिस्टम उसके डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है। फिर हम एक दूसरे फायर पिल को उसके अंदर जाते हुए देखते हैं, जिससे उसका शरीर हवा में उड़ने लगता है और सिस्टम बताता है कि उसने लीन के अटैक और डिफेंस पावर को डबल कर दिया है। वो लोग भी उसकी साइकिक एनर्जी देखकर दंग रह जाते हैं और तभी लीन होश में आ जाता है। फाइटर्स का लीडर उससे लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसे लीन से ऐसे अटैक की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो लीन का मुकाबला करने की बहुत कोशिश करता है और तभी लीन की किक उसे उछाल कर दूर फेंक देती है। उसके साथ ही भी अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर डर जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहता है कि तुम यहाँ खड़े होकर किसका वेट कर रहे हो, और जाओ और जाकर उसे अच्छा सबक सिखाओ। वो चारों उसकी बात मानकर लीन को घेर लेते हैं और लीन उनसे लड़ने के लिए अपनी तलवार निकालता है। तब एक आदमी कहता है कि हम तुम्हारी ये ट्रिक देख चुके हैं, और ये कहकर वो उस पर अटैक कर देते हैं। लीन उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो देखते हैं कि ये तो एकदम नया अटैक है। फिर लीन उन पर एक नई पावर थंडर चॉप का यूज करता है और इससे वो सब उड़ते हुए दूर जा गिरते हैं। उनका लीडर भी डरकर अपनी शील्ड एक्टिवेट कर लेता है और देखता है कि लीन की पावर का ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसने मोबाइल को भी उछालकर दूर फेंक दिया है। उसे यकीन नहीं होता कि एक नए प्लेयर के पास ऐसी पावर कैसे आ सकती है, और तभी वो लीन को अपनी ओर आते हुए देखता है। इस स्ट्राइक से उसकी शील्ड टूट जाती है और वो भी अपने साथियों की तरह ढेर हो जाता है। मोबाइल भागकर लीन को चेक करने आती है और वो बताता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। तभी अचानक उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। आगे का सीन केव का है, जहाँ मोबाइल लीन के पास आराम कर रही है और अचानक लीन को होश आ जाता है और वो सोचता है कि ना जाने मैंने कैसा सपना देखा है। फिर वो लीन की ओर देखता है और तभी उससे मिलने पोनी वहाँ आता है और बताता है कि तुम पिछले 3 दिन से सो रहे थे। लीन भी ये सुनकर चौंक जाता है और तब पोनी कहता है कि अगर सही टाइम पर तुमने फायर पिल का यूज ना किया होता तो तुम्हारा जिंदा बचना बहुत मुश्किल था, और उस पिल ने अब तुम्हें और शक्तिशाली बना दिया है और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करने की शक्ति भी बढ़ गई है। इस पर लीन कहता है कि फिर तो मेरी अटैक और स्पिरिचुअल पावर भी डबल हो गई होगी, और पोनी उससे एग्री करता है और कहता है कि जैसे जैसे तुम ग्रो करते जाओगे तुम्हारी पावर्स और बढ़ती जाएंगी, लेकिन इसमें ज्यादा एक्साइटेड होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारा अगले लेवल पर जाना और डिफिकल्ट हो जाएगा। तब लीन उसे कहता है कि इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, और ये सुनकर पोनी उसे घूरने लगता है। आगे लीन उससे कहता है कि तुम्हारा VIP प्रोग्राम तो बड़े काम की चीज है और मैं इसकी पावर को फिर से यूज करना चाहूंगा, लेकिन पोनी उसे बताता है कि ये प्रोग्राम बस एक ही बार के लिए था और इसे दोबारा यूज करने के लिए तुम्हें फिर से रिचार्ज करना होगा। ये सुनकर लीन को बहुत गुस्सा आता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, लेकिन पोनी कहता है कि पहले बताने से भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि बिना इसके तुम सर्वाइव नहीं कर सकते। ये कहकर पोनी वहाँ से गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि मोबाइल भी नींद से जाग गई है। वो लीन को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है और भूल जाती है कि इस चक्कर में वो उसके बहुत करीब आ गई है। लीन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और मोबाइल भी अपनी गलती रियलाइज करके पीछे हट जाती है। फिर वो लीन से उसकी नई पावर्स के बारे में पूछती है कि कैसे वो इतना घायल होने के बाद भी एकदम से ठीक हो गया, और तब लीन उसे फायर पिल्स के बारे में बताता है और कहता है कि ये तो मैंने एक लकी ड्रॉ में जीती है। मोबाइल को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती और उसे लगता है कि शायद लीन उसे कोई बहाना बना रहा है, क्योंकि ऐसी पावर्स लॉटरी में कहीं नहीं मिलती। लीन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं अपने लिए खाना लेने जा रही हूँ। तभी एक बार फिर पोनी वहाँ आता है और उसे कहता है कि वो तुम्हारी बातों पर कभी विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि मेरी दी हुई पावर्स बहुत ही यूनिक है। वो कहता है कि तुम्हें उन्हें सिर्फ वही बताना चाहिए जो वो तुमसे सुनना चाहते हैं, और बेवजह अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करने चाहिए। तब लीन कहता है कि मोबाइल बाकियों से बहुत अलग है, क्योंकि मैं उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, और ये सुनकर पोनी कहता है कि उसके नाम के अलावा तुम जानते ही क्या हो, तो फिर भला ये शादी वाली बात कहाँ से आ गई। वो उसे वॉर्न करता है कि मोबाइल के पीछे कोई खतरनाक गैंग लगा हुआ है और तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए, लेकिन लीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और पोनी उस पर तरस खाकर वहाँ से चला जाता है।
आगे वो लोग केव से निकलकर मॉन्स्टर हंटिंग करने आते हैं। वो देखते हैं कि सामने कुछ फ्लेमिंग रैट्स बैठे हुए हैं। लिन अपनी स्किल से उनकी इंफॉर्मेशन निकालता है कि ये एक लेवल 1 के मॉन्स्टर हैं और इनका अटैक है इनकी फ्लेम पावर। मोबाइल इनसे कहती है कि अभी अभी तो तुम होश में आए हो और तुम्हें इस तरह मॉन्स्टर हंटिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन लिन कहता है कि एक मर्द की काबिलियत पर कभी शक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उसके लिए इंसल्ट के बराबर है, और ये सुनकर मोबाइल को उस पर बहुत गुस्सा आता है। फिर लिन आगे जाकर उन फ्लेम रैट से पंगा लेता है और वो गुस्से में उस पर अटैक कर देते हैं। मोबाइल कहती है कि कैसा बेवकूफ आदमी है जो इतने सारे मॉन्स्टर से एक साथ उलझ रहा है। लेकिन तभी वो देखती है कि लिन ने अपनी पावर से उन सबको शॉक कर दिया है। फिर वो उन बाकी रेड्स की ओर बढ़ता है, लेकिन वो सब डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और लिन मरे हुए मॉन्स्टर से उनकी पावर खींचने लगता है। मोबाइल भी ये देख कर रिलैक्स हो जाती है, लेकिन तभी अचानक जमीन कांपने लगती है और वो देखते हैं कि रेड्स अपने किंग को बुलाकर लाए हैं जिसका साइज बहुत ही बड़ा है। लिन भी उसे देखकर हैरान रह जाता है और उसकी स्किल उसे बताती है कि इस रैट के पास भी स्पिरिचुअल पावर्स हैं और ये नॉर्मल रैट से कहीं ज्यादा ताकतवर है। फिर इससे पहले कि लिन कुछ सोच पाए, वो रैट किंग उस पर अटैक कर देता है और उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। फिर रैट किंग उस पर अपनी फ्लेम पावर का यूज करता है और इससे लिन का फेस और बाल दोनों जल जाते हैं और वो एक कार्टून की तरह लगने लगता है। वो रेड्स भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और ये देखकर लिन को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो रेड किंग पर अपनी थंडर पावर यूज करता है और कहता है कि अब तुम्हें रोस्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है और जल्दी ही रेड किंग का खेल खत्म हो जाता है और लिन उसकी सारी पावर एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी रेड्स ये देखकर भागने की सोचते हैं, लेकिन लिन एक एक करके उन्हें मार डालता है और मोबाइल से कहता है कि देखा मैं कितना पावरफुल हूँ। मोबाइल उसका जला हुआ रूप देखकर हंसने लगती है और तब लिन चुपके से पोनी से हेल्प मांगता है जो रेड्स की एनर्जी के बदले उसे फिर से ठीक कर देता है। और मोबाइल भी ये देखकर हैरान रह जाती है कि इतनी जल्दी वो नॉर्मल कैसे हो गया। लिन उसे बताता है कि ये सब मेरे हंटिंग करने का कमाल है और फिलहाल हमें कुछ और मॉन्स्टर को ढूंढना होगा। इस पर मोबाइल उससे कहती है कि अभी अभी तो तुमने इन रेड्स को मारा है तो फिर और मॉन्स्टर की क्या जरूरत है। लेकिन लिन कहता है कि इससे मेरे दो फायदे होंगे, एक तो मुझे पावर बूस्ट मिलेगा और दूसरा मैं ढेर सारे स्पिरिट स्टोन कमा सकूंगा। फिर हम उन्हें कुछ और मॉन्स्टर को मारते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।